तो हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जावा की बाइक्स की साउंड की। तो यार मैंने दो तीन वीडियो डाली तो बहुत से लोग हमारे कम से कम दो वीडियो पे तो 1 लाख से ऊपर व्यूज जा चुके। तो लोग क्या बोल रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आप कमेंट मत करना क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ उसकी साउंड की। तो बात ऐसी है कि लोग बोल रहे हैं कोई कि भैया स्प्लेंडर जैसी आवाज़ है, कोई बोल रहे कि भैया डबल स्प्लेंडर जैसी आवाज़ है। तो यार डबल स्प्लेंडर जैसी तो मेरे को भी थोड़ी थोड़ी लगी थी, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऐसी लगी थी यार मेरे को भी। तो कोई बोले कि एक्टिवा जैसी, तो भैया आपको एक्टिवा जैसी कहाँ लग गई यार, एक्टिवा जैसी किसी साइड से भी नहीं लगती। तो भैया मैं आपको बता दूँ, क्राउड की वजह से उसकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पे वीडियो अलाउड ही नहीं थी बनानी। दूर से लोगों ने बना ली वीडियो, लेकिन क्राउड की वजह से वीडियो बहुत से लोगों ने बनाई क्योंकि किस किस को रोकेंगे वो, तो नहीं रोक पाए लोग बाग। तो काफ़ी वीडियोज़ बनी थी तो इसलिए क्राउड काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी उसकी वजह से, तो वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी। लेकिन आवाज़ बता दूँ, आवाज़ में काफ़ी अच्छी आवाज़ है हार्ले वगैरह जैसी, तो बेस वगैरह भी काफ़ी अच्छी है बाइक की। और कोई तो भैया बोल रहे कि साइन जैसी आवाज़ है, होंडा साइन जैसी, कोई बोल रहे डिस्कवर जैसी आवाज़ है, कोई बोल रहे चेतक जैसी आवाज़ है। तो पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं यार। तो आपको मैं बता दूँ यार, साउंड बेकार नहीं है, साउंड काफ़ी अच्छी है। तो ऐसा मत बोला करो किसी भी बाइक के बारे में, ठीक है। तो बाइक की आवाज़ काफ़ी अच्छी है, यदि आप वहाँ पे होते तो आपको पता लगता कि कैसी आवाज़ है। तो आवाज़ काफ़ी अच्छी है, जब लॉन्च होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसी आवाज़ है। तो मेरे को इस वीडियो में यही बताना था कि आवाज़ बेकार नहीं है, बाइक की आवाज़ काफ़ी अच्छी है, शानदार आवाज़ है। तो जावा 42 उन्होंने स्टार्ट नहीं की, पता नहीं क्यों नहीं की, ना ही जावा पेरेक को किया। लोगों ने खूब डिमांड की बट किसी ने नहीं किया स्टार्ट। तो देखते हैं अब लॉन्च होगी तब तो करेंगे स्टार्ट, तब तो हम ही कर देंगे स्टार्ट जाके। तो पता नहीं क्यों किया उन्होंने ऐसा। साउंड काफ़ी अच्छी थी जावा क्लासिक 300 की, हर किसी ने क्लासिक 300 की वीडियो डाल रखी है। जावा 42 को स्टार्ट नहीं किया, ना ही जावा पेरेक को, और मुंबई में तो स्टार्ट ही नहीं किया, ये भी दिल्ली में स्टार्ट किया था ये भी जावा 300, क्योंकि अलाउड ही नहीं था स्टार्ट करना, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि अपनी चीज़ को लॉन्च करने से पहले कोई अपनी चीज़ की मतलब अच्छे से उसके स्पेसिफिकेशंस भी नहीं बताते यार, इन्होंने तो सब कुछ बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।